हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं हूँ डॉक्टर संतोष और आज का जो विषय लिया आप लोगों को बताने के लिए वो है सीआरपी ब्लड टेस्ट। ये क्या होता है, कौन से कंडीशन में करवाया जाता है, नॉर्मल वैल्यू क्या है, करवाते समय क्या सावधानी रखें और ये कितने रुपये में होता है लैब्स में, इन सारे विषयों पर जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं सीआरपी, इसका मतलब है सी रिएक्टिव प्रोटीन। ये एक तरह का अक्यूट फेज रिएक्टेंट है जो लीवर के द्वारा प्रोड्यूस होता है। जब भी कहीं बॉडी में इन्फेक्शन हो, किसी तरह का इन्फ्लेमेशन हो, ट्रामा, मेलिग्नेंसी, एलर्जिक रिएक्शन, इन सारे कंडीशन में WBC आते हैं रिपेयर करने के लिए, हीलिंग करने के लिए। उनमें से इंटरल्यूकिन सब्सटेंसेस निकलते हैं और वो लीवर के द्वारा इसी CRP का प्रोडक्शन कराते हैं। अब CRP का काम क्या है, बॉडी में एक तो ये इन्फ्लेमेशन की जो प्रोसेस है उसको कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है, और CRP का दूसरा काम है कि जो फॉरेन पार्टिकल है बॉडी में उसको निकलवाने में काम करवाता है। तो ये CRP का मेन यूज़ है, ये CRP का दो मेन रोल है। अब बात करें कि इसको कौन से कंडीशन में करवाया जाता है, इस टेस्ट का क्या इम्पोर्टेंस है। CRP का इम्पोर्टेंस ये है कि जब भी कहीं बॉडी में इन्फेक्शन हो, किसी भी तरह का अक्यूट इन्फेक्शन हो, क्रोनिक इन्फेक्शन है, लंबे समय से चल रहा है, अभी का है, या किसी तरह का इन्फ्लेमेशन हो, सर्जरी के बाद में है, पोस्ट ट्रॉमेटिक कंडीशन है, ऑपरेशन के बाद है, हड्डी में चोट लग गई है, हड्डी रप्चर हो गई है, कुछ एलर्जी कंडीशन है, उसमें कितना इन्फेक्शन है उसको असेसमेंट करने के लिए किया जाता है। तो स्पेशली अगर आप लोगों को याद हो कि छोटे बच्चे होते हैं जब भी उनको इन्फेक्शन हो जाता है, बुखार आती है, तो CRP पीडियाट्रिक एज ग्रुप पे काफ़ी कॉमनली करवाया जाता है। तो उसमें से यही पता चलता है कि इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन कितना ज़्यादा है, सीवियरिटी कितनी ज़्यादा है। तो एक तो CRP है कि इन्फेक्शन की सीवियरिटी को बताता है, और जो दूसरा इसका इम्पॉर्टेंट यूज है वो मॉनिटर करने के लिए ट्रीटमेंट। अगर किसी को एंटीबायोटिक दिया गया है और ट्रीटमेंट का क्या रिस्पांस, ये देखने के लिए किया जाता है। सपोज करो कि किसी पेशेंट का CRP आ गया है 20 mg/L, अब इन्फेक्शन का कैसा रिस्पांस है, दवाई का, एंटीबायोटिक का क्या रिस्पांस है, उसको देखने के लिए अगर 20 से 25 हो जाता है, इसका मतलब कि जो दवाई दी जा रही है वो काम नहीं कर रही है। लेकिन अगर वो CRP की वैल्यू 20 से 15 आ जाती है, 12 आ जाती है mg/L, इसका मतलब कि एंटीबायोटिक काम कर रही है। तो मॉनिटरिंग ऑफ एंटीबायोटिक रिस्पांस के लिए देखा जाता है। और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि CRP की कोई खुद की डायग्नोस्टिक यूटिलिटी नहीं है, कोई इंडिविजुअल आर्गन के इन्फेक्शन को डिटेक्ट करने के लिए नहीं किया जाता कि CRP से ये पता चलेगा कि इस बॉडी का इन्फेक्शन है, कि मेनिनजाइटिस है, कोटाइटिस मीडिया है, कि निमोनिया है, कि ऑस्टियोमेलाइटिस है, इस तरह की चीज़ें नहीं पता चलती। तो ये नॉन स्पेसिफिक टेस्ट है, सिर्फ ये डिनोट करता है कि बॉडी के अंदर इन्फेक्शन है। इंडिकेशन की बात करें तो किन लोगों को ये टेस्ट करवाया जाता है, किन को एडवाइस किया जाता है, तो जब भी बॉडी में कहीं भी सस्पेक्टेड इन्फेक्शन लगे, स्पेशली छोटे बच्चों में निमोनिया है, जनरल बॉडी की सेप्सिस है, और बड़े लोगों में भी जब भी कहीं इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस चालू हो बॉडी में, स्पेशली जैसे ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं, स्पेशली इन्फ्लेमेटरी वाले, SLE हो गया, जोगेन सिंड्रोम हो गया, वास्कुलाइटिस सिंड्रोम बहुत सारे होते हैं, रूमेटिक अर्थराइटिस, रूमेटिक फीवर, इन सब में देखने के लिए कि बॉडी में कैसा रिस्पांस है, इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस। और एडल्ट में भी कुछ केसेस में मेलिग्नेंसी के केसेस हैं कि ट्यूमर में कितना बॉडी में इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस चल रहा है, बॉडी में कितना डैमेज हो रहा है, इसके अलावा जनरल बॉडी इन्फेक्शन में। तो ये मेन यूज होता है, इन सारे केसेस में एडवाइज किया जाता है CRP टेस्ट। अब इसको कैसे करवाना है, क्या सावधानी है, तो एक तो ये ब्लड से होता है, तो पैथोलॉजी लेबोरेटरी में होगा, ब्लड सैंपल में सीरम के द्वारा होता है, और इसकी रिपोर्टिंग एक ही दिन में मिल जाती है, क्योंकि जरूरत ही एक ही दिन में है, तभी तो मॉनिटरिंग कर पाएंगे रिस्पांस की। और अराउंड ये 400 के आसपास इस टेस्ट के पैसे लगते हैं। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताने वाली बता दूँ कि CRP टेस्ट के लिए अलग अलग मेथड यूज करी जाती हैं। एग्लूटिनेशन मेथड है, जो पहले के समय करते थे कि एक प्लास्टिक के जो कार्ड होता है स्लाइड, उस पर एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन करके एग्लूटिनेशन देखा जाता था, और सिर्फ उसमें यह पता चलता था कि CRP पॉजिटिव है कि निगेटिव है। बट अब उस वाले टेस्ट की वैल्यू नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं कि CRP पॉजिटिव है कि निगेटिव, क्योंकि हमें तो रिस्पांस मॉनिटर करना है एंटीबायोटिक का। अभी भी बहुत सारे जो स्मॉल लैब हैं, स्पेशली जो हॉस्पिटल बेस्ड लैब हैं, वो CRP इसी से ही करते हैं। तो जब भी करवाएं तो इस बात का ध्यान रखें किसी मेथड से है, क्योंकि पैसे तो उतने ही चार्ज करेंगे, पर CRP पॉजिटिव है निगेटिव वो बताएंगे, उसका फिर कोई मतलब नहीं निकलता है। तो इम्यूनोटर्बिडिटी मेट्री या निफेलोमेट्री जो टेस्ट होते हैं उसमें क्वांटिटेशन मिलता है,
मिलीग्राम पर लीटर में यूनिट मिलेगी या तो मिलीग्राम पर डेसीलीटर में, तो इस चीज़ को हमेशा करवाते समय ध्यान रखना। टेस्ट प्रिपरेशन की कोई ज़रूरत नहीं होती, किसी भी तरह के फास्टिंग सैंपल की जरूरत नहीं होती, कभी भी करवा सकते हैं क्योंकि। और इस टेस्ट की कीमत की बात करें तो अराउंड 400 के आसपास होता है, अलग अलग लैब में अलग अलग 300 से लेकर 400 के बीच में होता है। अब आइए इसकी बात करते हैं नॉर्मल वैल्यू। इसको समझना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो काफ़ी लोग मिस करते हैं, जो नई लैब में नई लैब खोलते हैं बच्चे वो बहुत मिस करते हैं, जो नए मेडिकल प्रैक्टिशनर वो भी काफ़ी मिस करने के चांसेस रहते हैं। इसकी नॉर्मल वैल्यू दो तरीके से दी जाती है, एक यूनिट है मिलीग्राम पर डीएल में और एक दी जाती है मिलीग्राम पर लीटर में। इन दोनों में हमेशा ध्यान रखना यूनिट का मिलीग्राम पर डीएल में है कि मिलीग्राम पर डेसीलीटर में। एक मैं आपको रिपोर्ट दिखाता हूँ, जैसे कि ये रिपोर्ट आप देख पा रहे हैं, इसमें जो नॉर्मल वैल्यू वो 0 to 6 मिलीग्राम पर लीटर है, तो 0 to 6 है। और अगर ये मिलीग्राम पर डेसीलीटर होती तो नॉर्मल वैल्यू होती है 0 to 0.6 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। तो 0.6 है कि 0.6 है, इसको ध्यान रखना है। अगर किसी की वैल्यू 10 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा हो जाती है, इसका मतलब है कि उसके बॉडी में इन्फेक्शन की प्रोसेस चल रहा है। और ऐसे ही मिलीग्राम पर डेसीलीटर वाले की बात करें, किसी की वैल्यू 1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा हो जाती है तो उसकी वैल्यू मतलब कि बढ़ी हुई है, इसका मतलब उसके बॉडी में इन्फेक्शन है। तो इसका जो मेन यूज है यही, जैसा कि मैंने बताया कि बॉडी में अलग अलग जगह के इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को असेस करने के लिए किया जाता है, स्पेशली जो छोटे बच्चे हैं न्यूनेटल हैं उसमें सेप्सिस रूल आउट करने के लिए, कि जनरल बॉडी में उनके इन्फेक्शन तो नहीं है, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन तो नहीं है। और बड़ों में जब क्रोनिक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर हैं, वास्कुलाइटिस सिंड्रोम है, इन सब में मेलिग्नेंसी में और दूसरे एलर्जिक कंडीशन है, स्पेसिफिक इन्फेक्शन की बात करें तो अगर कान में हर्टाइटिस मीडिया हो, ब्रेन का इन्फेक्शन मेनिंजाइटिस है, निमोनिया की बात हो गई, हड्डियों में ऑस्टियोमेलाइटिस है, पेट के अंदर अपेंडिसाइटिस है, गॉल ब्लैडर में इन्फेक्शन है, कोलेसिस्टाइटिस है, तो इस तरह के इन्फेक्शन में इसका यूज है। और सीआरपी टेस्ट, जैसा कि ये सीआरपी हो गया वैसे ही एक और टेस्ट होता है, उसको बोलते हैं, इसका वेरिएशन बोलो उसको, HSCRP, हाई सेंसिटिविटी CRP, सब कुछ वही देखा जाता है। जो CRP है उसी को अलग मेथड से डिटेक्ट करा जाता है। हाई सेंसिटिविटी CRP मतलब कि जो मेथड हम यूज कर रहे हैं, जो मशीन यूज कर रहे हैं, वो ज़्यादा लोअर लिमिट तक CRP की कैप्चर कर पा रही है, बस इतना सा मतलब है। तो वो कार्डियोवास्कुलर रिस्क असेसमेंट के लिए किया जाता है। उसमें क्या है, जैसे किसी पेशेंट को एथेरोस्क्लेरोसिस होती है इनिशियल स्टेज में, जब आर्टरी के अंदर नैरोइंग चालू होती है, तो हल्का हल्का इन्फ्लेमेशन रहता है, इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा नहीं रहता। तो आजकल एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है, अब हाई सेंसिटिविटी CRP का जो वैल्यू है वो लोअर लेवल तक डिटेक्ट कर पाता है। इम्पॉर्टेंट मतलब बात ये है, HSCRP महंगा होता है, डबल रेट है, 800 का होता है, और उन पेशेंट में कराया जाता है जैसे कि जिनको स्ट्रोक हो चुका है ब्रेन के अंदर, या हार्ट के अंदर प्रॉब्लम है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है, या इशीमिया है, एंजाइना के केसेस हैं, और ब्लड वेसल्स की, पेरिफेरल ब्लड वेसल्स की कोई डिसऑर्डर्स है, तो इन सारे केसेस में हाई सेंसिटिविटी CRP किया जाता है। तो बस दोनों की जो डिटेक्शन की मेथड है उसमें डिफरेंस है, और नॉर्मल वैल्यू में डिफरेंस है। नॉर्मल वैल्यू की रिस्क असेसमेंट जब हार्ट के लिए किया जाता है तो उसके लिए नॉर्मल वैल्यू अलग हो जाती है, क्योंकि हमें बेसिकली देखा जाता है कि माइल्ड इन्फ्लेमेशन है कि नहीं है। ये बात हो गई दोस्तों CRP टेस्ट के बारे में। साथ एक टेस्ट होता है ESR टेस्ट। ESR टेस्ट क्या है, वो बहुत ही नॉन स्पेसिफिक टेस्ट होता था, अभी भी कराया जाता है, पहले बहुत कॉमनली कराया जाता है, अब उस वाले टेस्ट को इसने CRP टेस्ट ने रिप्लेस कर दिया है, क्योंकि वो बहुत ही नॉन स्पेसिफिक टेस्ट था, एक बार बढ़ जाता था तो उसको रिटर्न आने में काफ़ी समय लगता है। ESR टेस्ट में फाइब्रिनोजन का लेवल देखा जाता था, इसलिए रिस्पांस मॉनिटरिंग करने के लिए ESR अच्छा टेस्ट नहीं माना जाता था, बट ये CRP वाला ट्रीटमेंट का रिस्पांस देखने के लिए अच्छा होता है। तो ESR को अब रिप्लेस कर दिया गया है CRP से। ESR सस्ता होता है, वो भी इन्फ्लेमेशन को डिटेक्ट करता है, पकड़ तो लेता है, पर CRP के अलग एडवांटेज हैं। CRP का लेवल जल्दी बढ़ता है और जल्दी घट भी जाता है, इसलिए ज़्यादा अच्छा टेस्ट माना जाता है। तो ये सारी CRP टेस्ट के बारे में जानकारी थी, आपको क्या क्या सावधानी रखना है, नॉर्मल वैल्यू क्या होती है, इन सारे विषयों पे। एक जो इम्पॉर्टेंट बात है आपको याद रखनी है, इसके यूनिट पे हमेशा ध्यान रखना है, कई बार यूनिट गड़बड़ आती है, मिलीग्राम पर डेसीलीटर में है या मिलीग्राम पर लीटर में है, इस बात को हमेशा ध्यान रखना है। सो ये सारी जानकारी थी CRP ब्लड टेस्ट के बारे में। सो थैंक्स फॉर